सीखेंगे कि एक्सेल में एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले एज कैलकुलेटर बना रहा है, तो डेट का मतलब है आज की तारीख, तो आप यहां कोई भी तारीख लिख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि अब तक हम कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। अब मैं यहां कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा और जो भी डेट ऑफ बर्थ लिख के एंड होगा, तो ये आ जाएगा कि अब तक जो डिफरेंस है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट में जो डिफरेंस, वो 24 साल 0 महीना 1 दिन का है। अगर मैं वापस फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पे लिखूं और एंड, तो ये पता चल गया कि मैं 34 साल महीने 24 दिन का हो चुका हूं। तो एक्सेल में कैलकुलेटर कैसे बनाते, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले हेडिंग लिखी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अगली हेडिंग डेट पिता, जब का भी आपको डेट निकाल, फिर हमें टोटल जितने महीना रुके, तो आपको करना क्या है, या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। अब डेट लेने का आप अपने या आप कंप्यूटर एमएम आई वाई पहले यानी कि एमबी का सिग्नल, तो इसका तरीका जानिए करना कोड में ऐसे ही टर्न, तो करंट की आज की तारीख आएगी, कोई जाएगा आपके कंप्यूटर में तारीख का क्या है। तो यहां है डीडी एमएम वाई वाई, यानी कि डेट मंथ और ईयर। तो तारीख लेने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, आपको क्या प्रेस करना है, कॉलन। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करेंगे तो वहां तारीख आ जाएगी, ठीक। अब यहां हमने लिखी अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो 23/1/1990 हमने यहां टाइप किया। अब हमें क्या देखना है कि अब तक हम कितने साल के हो चुके हैं, यानी कि B1 सेल में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी और B2 सेल में करंट डेट यानी कि आज की तारीख हमने लिखी। अब हमें देखना है अब तक हम कितने साल के हो गए, तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम है डेटेड इफ। फंक्शन का नाम क्या है, डेटेड इफ। अब ब्रैकेट में उसका नाम जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ है आपकी B1 में, उसके बाद कॉमा उस सेल का नाम जिसमें करंट डेट है, तो करंट डेट है आज की तारीख B2 में, कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको बाई टाइप करना है और ब्रैकेट बंद करना है। आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी फंक्शन लिखे स्मॉल में कैपिटल में, बस स्पेस नहीं देना कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे ही एंटर करेंगे तो अब आपके सामने ईयर कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मंथ। तो फिर से फंक्शन क्या लिखा, डेटेड इफ, फिर से उस सेल का नाम जिसमें डेट ऑफ बर्थ है तो B1 कॉमा, उस सेल का नाम जिसमें करंट डेट है B2 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में YM और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो यह मंथ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, दिन निकालने की अब तक हम कितने हो चुके, साल महीना तो आ गया दिन, तो बराबर फिर से क्या लिखा, डेटेड इफ, उस सेल का नाम जिसमें डेट ऑफ बर्थ है B1 कॉमा, उस सेल का नाम जिसमें करंट डेट है B2 कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर करोगे तो अब आपका ये एज कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि किसी सेल हमें ईयर मंथ और डे एक साथ दिखाई दे, तो कैसे होगा, इज इक्वल। अब उस सेल का नाम जो सबसे पहले आपको शो करना है, तो B3 हमने सेल लिया, यानी कि 34 लिखा आना चाहिए, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस करके हमने लिखा इयर्स, यानी कि हमें 34 के साथ क्या शब्द चाहिए, इयर्स, फिर एंड, उसके बाद एंड किया हमने, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस क्यों लगाया, ताकि 34 और 7 के बीच में गैप आए, एंड। अब क्या चाहिए आपको, 7, फिर उसके बाद एंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस करके क्या लिखा, मंथ्स, फिर स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा मंथ एंड, अब चाहिए आपको 4 यानी कि दिन, फिर उसके बाद एंड और इन्वर्टेड कॉमा में हम स्पेस करके क्या लिखेंगे, डेज। जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक साथ आ जाएगा कि अब तक आप 34 साल 7 महीना 24 दिन के हो चुके हैं। बस अब आपका ये एज कैलकुलेटर बनके तैयार। अब आप यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे टाइप करें और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में एज कैलकुलेटर बना सकते हैं। और यदि आप
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।